हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक डिज़ाइन। तो चलिए क्वार्टर जॉइंट की असेंबली ख़त्म करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आ जाते हैं सीधे न्यू पर, असेंबली में चले जाएंगे। आपको यहाँ पे नाम दे देना है जो भी आपको देना हो। तो मैं यहाँ पे क्वार्टर जॉइंट है, ठीक है, क्वार्टर अंडरस्कोर जॉइंट। तो यूज़ डिफ़ॉल्ट अनचेक करके MMKS में मैं सिलेक्ट कर दूंगा उसका यूनिट, ठीक है, हो गया। असेंबल में चला जाऊंगा सीधा, पहले सॉकेट लेंगे हम, सॉकेट मेन पार्ट है उसका, सॉकेट रिजिड करके फिक्स कर देना है उसको। ओके, ब्रेस कर दूंगा। ये होने के बाद मैं तुरंत असेंबल में चला जाऊंगा। उसके बाद आएगा स्पीगोट, आएगा जो कि पोर्शन इसके अंदर जाने वाला है। तो वो कैसे, कहां से, किस तरीके से करना है दिखा देता हूं। ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करके, ये वाला प्लेन, दो प्लेन सिलेक्ट करके कोइंसाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट में चले जाएंगे, न्यू कंस्ट्रेंट सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये वाला और ये वाला प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन उसकी आ गई। अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो आपको मैं दूसरी तरीके से दिखा दूँ कि ये प्लेन तो हमें सिलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्क्वायर पोर्शन है, जो गैप आ रहा है, वो आना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसलिए अगर आपको ये मूवमेंट आपको बंद करनी हो, ये वाली, तो उसके लिए आप न्यू कंस्ट्रेंट में एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सिस सिलेक्ट करने पर भी वो चीज़, वो मूवमेंट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये एक मूवमेंट बाकी है, तो ये मूवमेंट हम लोग कैसे बंद करेंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसमें कुछ नहीं करना, न्यू कंस्ट्रेंट में चले जाना है, ये सरफेस को इस सरफेस से मैच कर देना है, ठीक है, ये वाली सरफेस से। और ये चीज़ हो गई, देख लीजिए, ठीक है। ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों चीज़ हो गई है। अभी आ जाएंगे सीधे क्वार्टर पे, जो क्वार्टर पिन आती है वो, जो इन लोगों को लॉक करेगी। तो क्वार्टर पिन कैसे करेंगे मैं दिखा दूँ, सिंपल है। ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, जो कि ये वाले प्लेन से मिल जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। अभी ये मूवमेंट बाकी है और ये ऊपर नीचे वाली मूवमेंट बाकी है, ठीक है। ऊपर नीचे वाली तो हम कंट्रोल कर पाएंगे इससे, आपको मैं दिखा दूँ। ये जो यहाँ पे प्लेन आएगा, जस्ट अ मिनट, ये इधर ले लो, ये जो सेंटर प्लेन है, वो सेंटर प्लेन को अगर हम ये वाले इससे सेंटर प्लेन से मैच कर दे, ठीक है, तो वो मूवमेंट तो हम मिटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, हाँ ठीक है, ये वाले सेंटर प्लेन को ये वाले सेंटर प्लेन से मैच कर देना है और कोइंसाइड कर देना है। तो वो मूवमेंट, अभी ये ही मूवमेंट एक बाकी बची है। तो ये मूवमेंट हम कैसे करेंगे अब देख लीजिए, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट हम डिस्टेंस पे ले रहा है, तो न्यू कंस्ट्रेंट में जाकर ये प्लेन सिलेक्ट करके ये प्लेन सिलेक्ट कर देंगे, जस्ट अ मिनट, ये प्लेन सिलेक्ट कर देंगे। तो एक बार फिर से कर दूं मैं आपको, न्यू कंस्ट्रेंट, ये जो वर्टिकल प्लेन है उससे ये वाले प्लेन को सिलेक्ट कर देंगे और वहाँ पे हम डिस्टेंस लगा देंगे 25 का, ठीक है, जो कि ऑपोजिट आ रहा है। तो हम उसको -25 कर देंगे, जो कि इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा कुछ बन गया। ओके प्रेस कर देना है, तो देख लीजिए असेंबली हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ क्वार्टर जॉइंट आता है। व्यू में जाकर एक्सप्लोडेड व्यू करोगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, देख लीजिए इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला है, तो वही सेम चीज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दीजिए। तो कल आएंगे हम फिर से एक नई वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।